को नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो और चैनल के ऊपर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो आज का हमारा एक क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का 1/3 भाग भोजन पर और 1/2 भाग ऋण चुकाने में खर्च करता है, अगर शेष राशि 2000 रुपए है तो व्यक्ति की आय कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल प्रेस जरूर करना, ताकि सबसे पहले आपको वो नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक उसे जरूर देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर जाकर एक प्यारा सा कॉमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ से ज्यादा इसे आप शेयर जरूर करना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का 1/3 भाग भोजन पर और 1/2 भाग ऋण चुकाने में खर्च करता है, अगर शेष राशि 2000 रुपए है तो व्यक्ति की आय कितनी होगी। तो मतलब इसको शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे, ज्यादा डिटेल से हम नहीं निकालेंगे, ज्यादा लंबा इसको हम नहीं करेंगे। तो चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, माना व्यक्ति की आय मान लेते हैं हम, सिर्फ एक तो मानेंगे हम इसे, माना व्यक्ति की आय एक्स रुपए मान लेते हैं हम इसके अंदर, कितना मान लेते हैं हम इसमें एक्स रुपए मान लेते हैं। अब देखो इसमें कितना है, 1/3 भाग दिया गया है, कितना है 1/3 भाग, तो यहां रख लेते हैं हम इसमें एक्स बराबर है कितना 1/3। 1/3 और एक्स की वैल्यू मतलब एक्स की जगह हम रख सकते हैं 1/3 या एक्स 3 हम इसमें रख सकते हैं, तो यहां रख सकते हैं इसके अंदर एक्स 3 और प्लस कितना आएगा इसमें, कितना खर्च करता है इसमें वह ऋण चुकाने में एक्स 2। इसमें कुल कितने रुपए बचते हैं उसके पास, शेष राशि कितने रुपए बचते हैं, 2000 रुपए बचती है, कितने बचती है इसमें 2000 रुपए बचती है। तो बराबर हम एस की इज इक्वल टू इसमें कितने रख लेते हैं, 2000 रुपए रख लेते हैं। तो एक्स बराबर है, अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो बराबर को हम बाहर निकाल सकते हैं, यहां इस तरफ इसको हम निकाल सकते हैं, सॉरी यहां इसमें हम सॉरी यहां इसको हम प्लस में रखेंगे, किसमें रखेंगे हम इसमें प्लस में रखेंगे। तो इस निशान को हम इज इक्वल टू यहां ले जाएंगे हम, तो माइनस कितना हो जाएगा एक्स 3 और माइनस इसमें एक्स 2 इज इक्वल टू कितना इसमें 2000 रुपए है। अब इसके नीचे हम जैसे यहाँ एक रख लेते हैं, एक भी रख लेते हैं, इसकी कोई वो नहीं होती है क्योंकि ये संख्या बटे में दी गई है, ये संख्या बगैर बटे की है, तो इसमें हम एक रख लेते हैं। अब इसका मान लें हम इसमें एलसीएम लेंगे, 1, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसमें, एलसीएम आएगा इसमें 6। अब एक की टेबल हम कहा लग पड़े 6 आए भाई, एक 6 को हम एक से भाग करेंगे कितना आंसर आएगा, भागफल आएगा 6 आएगा, तो 6 के हम x के साथ गुणा करेंगे इसमें आएगा 6x, माइनस का निशान डालेंगे हम। अब 6 को हम 3 से भाग करें, भागफल कितना आएगा 2 आएगा, 2 को हम x से गुणा करेंगे तो इसमें आएगा 2x, फिर माइनस का निशान डालेंगे हम। अब 6 को हम फिर 2 से भाग करेंगे, 6 को हम 2 से भाग करेंगे कितना भागफल आएगा 3 आएगा, 3 को हम एक्स के साथ गुणा करेंगे इसमें आएगा 3x इज इक्वल प्लस सॉरी इज इक्वल टू कितना हमारे पास इसमें 2000, कितना है 2000 दिया गया। अब इसमें इसको हम आगे यहां कर देते हैं, इसमें हम 6x माइनस 3x माइनस 2x बटे कितना इसमें 6 है और बराबर यहां कितना इसमें 2000 रुपए, कितना दिया गया इसमें 2000 रुपए दिया गया। अब 6x में से ये दोनों संख्या हमारे पास इसमें किसके है, माइनस की दी गई है, 6x में से हम 5x घटाएं कितना बचेगा हमारे पास, 1x नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ अकेला x रखेंगे, क्या रखेंगे हम इसमें x रखेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास इसमें कितने इसमें 2000 संख्या दी गई है। अब इसके नीचे जैसे ये बटे में दी गई है तो इसको भी हम क्या रख लेंगे हम इसमें भी, इसमें बटे में रख लेते हैं किसमें, अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम कहते हैं आर पार गुना, इसे क्या कहते हैं आर पार गुना करेंगे हम, एक के साथ एक्स की गुना करेंगे एक्स एक्स हम एक्स, और अब 6 × 2000 एक्स कितना आएगा 12000 उसका रुपए आएगा, तो व्यक्ति क्या है कितनी हो जाएगी 12000 रुपए, व्यक्ति क्या है कितनी हो जाएगी 12000 रुपए।
अगर दोस्तों ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल प्रेस जरूर करना ताकि ऐसी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो अगले वीडियो के अंदर आपसे मिलते हैं, तो थैंक यू, नमस्कार सभी को।